हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर में आपका एक बार फिर से स्वागत है एंड बॉस ऑफ इंड शे बजा इन्वेस्ट फॉर हो चुका है सो डोंट बी कंफ्यूज अगर हम बात करें आज की वीडियो की तो देखिए डेली कोई ना कोई कंपनी काफ़ी का सारी कंपनीज के रिजल्ट आते हैं तो हम कंटिन्यूसली उन कंपनीज से ऊपर और मोस्टली जो अच्छी कंपनीज है उनकी उनके ऊपर ध्यान रखे हुए हैं उनके रिजल्ट्स हम देख रहे हैं तो आज भी ये वीडियो उन्हीं के कुछ कंपनी से रिलेटेड बात की जाएगी लगभग आठ नौ कंपनी के रिजल्ट है उनसे रिलेटेड हम बातें करेंगे और जिनके रिज़ल्ट अभी अच्छी कंपनी के नहीं आए हैं उनसे रिलेटेड कल बात कर लेंगे तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर को सब सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ एज एज वेल अगर बात करें कल की डेट की आ, आज की डेट की तो आज मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग से रिलेटेड यहाँ पर शेयर बनाया है कि यहाँ पर आई स्टॉक में गिरावट हो सकती है तो थोड़ा सा प्रिकॉशंस या फिर कहते हैं थोड़ा सावधान रह के रहिएगा एज वेल एज अगर बात करें यहाँ पर कल अच्छी खासी वीडियोज बनाई गई थी रिजल्ट से रिलेटेड एक कल्स में यहाँ पर बीस का अपर सर्किट लगा था मैंने स्टडी नहीं किया था तो इसलिए मैंने यहाँ पर खरीदा भी नहीं क्योंकि जब तक मैं स्टडी नहीं कर लूंगा जब तक मैं देखूंगा नहीं तब तक किसी भी हाँ मैंने बता दिया था कि ये भागेगा बट फसने का कोई फायदा नहीं है छूट जाती है रिटर्न चलेगा बट ऊपर लेवल पर कभी नहीं फंसना तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और आईटी का जब स्टॉक में मैंने बना दिया है कि प्रॉफिट बुकिंग होने वाली है तो यहाँ पर भी शायद प्रॉफिट बुकिंग होते हैं को देखें तो थोड़ा सा आप यहाँ पर कॉशिश रहेगा एज वेल एज अगर बात करें यहाँ पर प्ले लिस्ट बता बना रखिए आपकी सहूलियत के हिसाब से तो अगर आपको ब्रेकआउट स्टॉक देखने हैं तो वो देख सकते हैं कि फोर रिजल्ट से रिलेटेड वीडियो बना रखी है और बात करें अगर कोई आप बिगनर है तो यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है इन वीडियोज़ को चेक करिए आपको पता चलेगा यहाँ पर स्टॉक मार्केट में आप किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं अब स्टॉक मार्केट है क्या इससे रिलेटेड आपको नॉलेज मिल जाएगी तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और एक एक करके रिजल्ट

ग्यारह uh, एक लाख चौदह हजार नौ इससे पहले सेवेंटी सिक्स था इससे पहले अः छियासी था तो अगर बात करें ईयरली क्वार्टरली बेस टोटल इनकम में काफी ज्यादा जंप है जो कि काफी अच्छी बात है

डीएफ थ्री फिफ्टी पे शेयर था आज के डेट में फोर थर्टी शेयर है देख लीजिएगा और इसके रिजल्ट काफी बेहतरीन आए आज के दिन में भी दस परसेंट भाग्य है एक रुपए का कंपनी ने डिविडेंड किया है अगर बात करें यहाँ पर और भी कुछ चीजों की तो यहाँ पर यहाँ पर इनके रिजल्ट देख लेते हैं तो रिजल्ट यहाँ पर देखिए इन लैक्स में आई थिंक एक मिनट देखिए हाँ लैक्स में यहाँ पर रिजल्ट है तो अगर हम देखते हैं सौ इक्यावन तो कंपनी ईयरली बेस पे अच्छा खासा जंप है क्वार्टरली बेस पे फ्लैट कह सकते हैं थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट है अगर बात करें टोटल एक्सपेंस की तो एक्सपेंस यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए क्वार्टरली बेस पे इस बार तेरह हजार दो सौ चौतीसिंग रुपीज है इससे पहले

गवर्नमेंट कंपनी हमें नजर आती है बेल -गेल -सेल, तो अगर देखे इन करोड़ रिजल्ट लोन अगर बात करते हैं तो टोटल रेवेन्यूपरेशन टे सात हजार दो सौ पचपन करोड़ इससे पहले चार हजार पांच सौ छत्तीस करोड़ इससे पहले पांच हजार एक सौ सत्तर करोड़ के आसपास यहाँ पर इनका तो टोटल इनकम थी तो ईयरली क्वार्टरली बेस में यहाँ पर इनकम में जंप है एज वेल एज अगर हम बात करते हैं यहाँ पर

इनसे दूर रहिए। बात करें और कंपनी की बीईएमएल एम e. यहाँ पर ये भी सरकारी कंपनी है और अगर इसके रिजल्ट्स देखते हैं तो यहाँ पर तो एक रुपए बीस पैसे का यहाँ पर डिविडेंड दिया है ये शायद पहले दिया होगा तो उससे रिलेटेड यहाँ पर बातें की गई है तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं इससे रिलेटेड तो यहाँ पर आप देख लीजिए इन लैक्स में यहाँ पर रिजल्ट है ये इस बार के रिजल्ट है क्यू थ्री के क्यू फोर के रिजल्ट है और हम बात करते हैं यहाँ पर रिजल्ट की तो टोटल इनकम देख लीजिए एक हजार अस... एक लाख अस्सी हजार पांच सौ तेहत्तर लैक्सन रुपीज से पहले तेहत्तर हजार दो सौ छह था यहां पर ईयरली बेस परफॉर्म किया और क्वार्टरली बेसिस तो ने और अच्छा ज्यादा परफॉर्म किया था लाख हजार सात सौ अठहत्तर सत्तर हजार नाइन्टी फाइव थाउजेंड तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे एक्सपेंस बढ़ते हुए नजर आए हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो पंद्रह हजार नौ सौ चौरानवे लैक्सेंट रुपीज का प्रॉफिट है पच्चीस था इससे पहले अठारह सौ अठारह हजार छह तो कंपनी का जो प्रॉफिट है ईयरली बेस पे वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है और क्वार्टरली बेस पे कंपनी ने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है यहां पर देख लीजिए ईपीएस जो आपको बता देगा कि चुम्बालीस रुपए का ईपीएस साल पहले था अभी अड़तीस रुपए का है और सात रुपए का ईपीएस तीन महीने पहले था अभी अड़तीस रुपए का है तो इस चीज को ध्यान दीजिए कंपनी ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है बट ईयरली बेस पे थोड़ी सी गिरावट है बात करें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तो यहां पर कल रिजल्ट आए थे और आज की डेट में शेयर पांच सात परसेंट भागता हुआ दिखाई दिया एक रुपए अस्सी पैसे का डिविडेंट भी दिया है और अगर हम बात करते हैं यहां पर इन करोड़ में यहां पर रिजल्ट है टोटल इनकम देखें तो आ, तेईस हजार छह सौ छह करोड़ का यहाँ पर इनकम है इससे पहले बीस हजार था इससे पहले सोलह हजार छह सौ अट्ठाईस तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे टोटल इनकम बढ़ती हुई नजर आई है एक्सपेंस की बात करें अठारह हजार आठ सौ इकतीस करोड़ था इससे पहले सोलह हजार चार सौ छह इससे पहले ग्यारह हजार छह सौ पचहत्तर करोड़ का यहाँ पर एक्सपेंस था तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे यहां पर एक्सपेंस भी बढ़ते हुए नजर आए और यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर बात करते हैं तो तीन हजार चार सौ तैतालीस करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट है इससे पहले बारह सौ तेरासी करोड़ का था इससे पहले सत्ताईस सौ पैंतीस करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट था तो कंपनी ने ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस पे यहां पर अच्छा परफॉर्म किया इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा बाकी स्टील भागी रहे सभी स्टील की कंपनी ने अच्छे खासा रिजल्ट दिया तो यहाँ पर इस कंपनी ने तो लूमेक्स की बात करते हैं ये भी कंपनी हमें नजर आती है और बात करें सात का फाइनल डिविडेंट हमेशा लेट आता है तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहां पर कब जिस दिन डेट अनाउंस होगी तो वहां पर आप देख लीजिएगा बाकी बात करें इन लैक्स में यहाँ पर रिजल्ट है तो यहाँ पर तो टोटल इनकम की बात करें तो बावन हजार छब्बीस रुपीज का यहां पर इस बार की इनकम है चौबीस हजार आठ सौ तेरह था इससे पहले उनतालीस हजार एक सौ सैंतीस तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर कंपनी का अच्छा खासा परफॉर्मेंस है एक्सपेंस की बात करें सैंतालीस हजार सात सौ चालीस है इससे पहले बयालीस हजार दो सौ चौतीस था इससे पहले सैंतीस हजार छह सौ पच्चीस लैक्सेंड रुपीज का यहाँ पर एक्सपेंस होता हुआ दिखाई दिया है जो कि ईयरली क्वार्टरली बेस पे बढ़ा है और प्रॉफिट फॉर फॉर पीरियड की बात करें तो तेईस लाख रुपए तेईस लाख इक्कीस रुपीज का यहाँ पर प्रॉफिट है इससे पहले तेरह था तो ये क्वार्टरली बेस पे कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है ईयरली बेस की बात करें तेईस सौ था प्रॉफिट है बट स्टिल यहाँ पर फ्लैट ही नजर आ रहा है कुछ ज्यादा प्रॉफिट ईयरली बेस पे नहीं हुआ है तो यहाँ पर ईपीएस भी देख लीजिए एक साल पहले चौबीस रुपए पचहत्तर पैसे का ईपीएस था इस बार चौबीस रुपए चौरासी पैसे का ईपीएस है और तीन महीने पहले चौदह रुपये इकसठ पैसे का ईपीएस था जो कि चौबीस रुपए चौरासी पैसे का ईपीएस है तो कंपनी के रिजल्ट अच्छे खासे है तो पर इस कंपनी की तरफ भी ध्यान दीजिएगा एज एज वेल बात करते हैं भारत गेयर लिमिटेड यह भी एक ऑटो एक्सिलरी कंपनी नजर आती है ओके okay, ऑटो एंसिलरीज की बात करें तो एल जी में हमने तीन दो वीक या तीन वीक पहले हमने इन्वेस्ट किया था आज की डेट में प्रॉफिट बुक किया है तीस का यहाँ पर प्रॉफिट हमें होता हुआ दिखाई दिया है बात करते हैं भारत गेयर लिमिटेड की तो यहां पर भी यहां पर किस तरीके के रिजल्ट आया तो हमें थोड़ा सा नीचे जाना होगा तो हमें पता चल जाएगी तो इन लैक्स में यहां पर रिजल्ट है तो यहाँ पर देखते हैं इस बार क्वार्टर के रिजल्ट है क्यू फोर के, के लास्ट ईयर के टोटल इनकम देखते हैं सत्रह हजार तीन सौ छियानवे रुपीज इससे पहले पंद्रह हजार दो सौ उन्नीस पहले ग्यारह हजार दो सौ चौहत्तर तो ईयरली क्वार्टरली बेस पर टोटल इनकम यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है एक्सपेंस की बात करते हैं तो सत्रह हजार बहत्तर लक्षण रुपीज ले से पहले चौदह हजार सात सौ अड़तीस था इससे पहले ग्यारह हजार छह सौ बारह यहाँ पर एक्सपेंस भी ईयरली क्वार्टरली बेस पर बढ़े अगर बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की नर प्रॉफिट फॉर द पीरियड की तो यहाँ पर देखिए एनपीएटी टी दो सौ सतहत्तर लैक्शन रुपीज का प्रॉफिट है इससे पहले चार सौ बचहत्तर था इससे पहले कंपनी घाटे में थी तो कंपनी बेसिस पर अच्छे खासे परफॉर्मेंस कंपनी ने पेश किया दो सतर दो सतरसन रुपीज का प्रॉफिट है बट बात करें घाटे से पॉजिटिव में आ गई है और क्वार्टरली बेस की बात करें तो गिरावट है तो इस चीज को भी देखना है

और सेम क्राइटेरिया पैटर्न में यहाँ पर रिजल्ट है इस बार के क्यू फोर के क्यू थ्री लास्ट ईयर टोटल रिवेन्यू की बात करें बारह हजार आठ सौ दो लैक्शन रुपीज से पहले आठ हजार एक सौ अट्ठाईस से पहले छह हजार नौ सौ छियालीस तो ईयरली बेस पर लगभग दो गुना पर प्रॉफिट किया कंपनी ने और क्वार्टरली बेस की बात करें तो यहां पर जंप है अच्छे खासे रिवेन्यू में टोटल एक्सपेंस की बात करें बारह हजार एक सौ इकसठ लेक्शन रुपीज का यहां पर एक्सपेंस इससे पहले आठ हजार दो सौ छप्पन पहले सात हजार चार सौ बारह लैक्शन रुपीज का एक्सपेंस था कंपनी अगर बात करें प्रॉफिट फॉर द पीरियड की तो कंपनी घाटे से प्रॉफिट में आ गई yeah पहले क्वार्टरली बेस पर भी घाटा था 130 लाख रुपीस का इससे पहले 483 लाख रुपीस का तो अगर बात करें ईयरली येर्ल, बेस पर इस बार का प्रॉफिट तो रहा है तो गोवा कार्बन इस वजह से आज शेयर भागता है वो भी दिखाई दिया ईपीएस की बात करें सात रुपए इक्कीस पैसे का ईपीएस है इससे पहले एक रुपए तैतालीस पैसे इससे पहले पांच रुपए का उनतीस पांच रुपए उनतीस नेगेटिव में और एक रुपए तैतालीस पैसे का नेगेटिव में यहाँ पर था तो कंपनी ने नेगेटिव से प्रॉफिट में आ गई है तो इस चीज को आपको ध्यान देना होगा तो हमने देखा जाए तो हमारा यहाँ पर ये गोवा कार्बन काफी बेहतरीन रिजल्ट भारत गेयर के भी फ्लैट रिजल्ट है लूमक्स के अच्छे खासे रिजल्ट थे स्टील अथॉरिटी के अच्छे खासे रिजल्ट है बीएमएल के, के अच्छे रिजल्ट थे बेल से दूरी बना के रखिए और अगर हम बात करें डी एफ एम यहाँ पर भी रिजल्ट बट बेस पे, पे प्रॉफिट है, है तो यहाँ पर देख लेते है। तो हैं जिन भी अच्छी खासी रिजल्ट आए तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए और हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली के साथ दूसरे लोगों को भी कनेक्ट करिए ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे और बाकी अगर बात करें रिजल्ट की तो रिजल्ट इसलिए देखे जाते हैं ताकि आगे का हमें रास्ता पता चले कि किस किस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना है किस में नहीं और रिजल्ट देख के आखे बंद करके इन्वेस्ट करना बेवकूफी होती है ऊपर लेवल पर फंस जाओगे तो इसलिए प्रॉफिट ना आए चलेगा बट प्रॉफिट लूज नहीं होना चाहिए और फंसना नहीं, नहीं चाहिए हम ऊपर लेवल पर इस चीज का ध्यान रखना है बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करें और गॉड ब्लेस यू